पल्सर 220F में ना एक जबरदस्त अपडेट आने वाला है। अब उस अपडेट के बारे में तो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। जब ये बाइक लॉन्च हुई थी ना, कब लॉन्च हुई थी वो आप लोग स्क्रीन पे भी देख लेना, जब ये लॉन्च हुई थी तब इसका जो लुक था ना, उससे लेके और अभी तक कोई भी अपडेट इस बाइक में नहीं हुआ। कुछ ऐसी थी पहले एंड अभी भी कुछ ऐसी है, कोई खास डिफरेंस इसके अंदर लुक्स में नहीं आया, जैसी पहले थी वैसी अभी है। तो अब जो है ना कंपनी इसके अंदर कुछ बढ़िया अपडेट करना चाह रही है, लेकिन 2021 में जो ना इन्होंने जो F250 लॉन्च की उसकी वजह से 220F की जो सेल्स है ना वो और बेटर हो गई थी, क्योंकि लोगों ने जो है ना 220F को इसलिए खरीद लिया, उनको लगा कहीं इसको डिसकंटिन्यू ना कर दे। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद जो इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दी, एंड डिसकंटिन्यू करने के बाद फिर से लॉन्च कर दी क्योंकि डिमांड इतनी थी, एंड अब जब दोबारा लॉन्च कर दी तो अब फिर से उसकी अच्छी खासी सेल्स हैं, लेकिन F250 को इन्होंने फिर एक तरीके से डिसकंटिन्यू कर दिया। अभी F250 को दोबारा से ले आए जिसमें कि एक नया कलर इन्होंने डाल दिया, लेकिन फिर भी उसकी सेल्स नहीं हो रही। तो मेन बात यह है कि भाई उस इंजन का जो मजा है, उस बाइक के लुक्स एंड जो उस बाइक की परफॉर्मेंस, वो आई थिंक परफॉर्मेंस तो दे दी F250 ने, बट बाकी सब चीजों में वो पीछे रह गई। तो आज जो है ना आपको बताता हूँ F250 और F220F में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले दोनों ही बाइक्स जो है ना भाई देखने में बिल्कुल डिफरेंट है, लाइक लुक्स उसके ऐसे हैं कि जल्दी से बंदे को समझ में नहीं आएंगे F250 के, लेकिन 220F आज भी ऐसे है कि बंदा एक झलक में उसको जो है ना पसंद कर लेगा। तो ऐसी चीज है भाई ये बाइक, तो ये रही 220F 2024, बट इसमें जो है कोई भी अपडेट नहीं हुए, लेकिन अब जो अपडेट होंगे ना उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले इस बाइक के अंदर जो है ना नए USD सस्पेंशन आ रहे हैं, उसके बाद इस बाइक के अंदर भी ड्यूअल चैनल ABS आपको देखने मिल जाएगा 2024 के एंड तक, एंड उसके बाद इस बाइक के अंदर जो नेक्स्ट अपडेट होने वाला है वो भाई इसके अंदर सिंगल प्रोजेक्टर आएगा एंड दो पायलट लैंप्स आएंगे जो इसमें ऑलरेडी है, पर जो बीच में दो हाई बीम और लो बीम अलग से थी ना उसको हटा के ये लोग एक कंप्लीट LED सेटअप दे देंगे, लाइक LED प्रोजेक्टर दे देंगे जिसके अंदर हाई बीम लो बीम दोनों होगी। तो बीच से दो लाइट्स को हटा के सिर्फ एक सिंगल कर देंगे, एंड यहाँ पे जो ना ये अच्छे खासे लुक्स इसको फ्रंट में दे देंगे। तो इसका अपडेट जो है ना इसलिए जरूरी थे क्योंकि ये बाइक भाई लेजेंडरी बाइक है और इसको लोगों ने इतना चाहा है ना, आई डोंट थिंक कि और बाइक की इतनी दीवानगी थी उस टाइम पे, क्योंकि लोगों ने जो है ना इस बाइक को काफी बढ़िया जो है रिस्पांस दिया था जब ये लॉन्च हुई थी। एंड इस बाइक को ना हम लाइक देखते थे पहले, लाइक मोस्टली यंगस्टर्स ही जो इसको चलाते थे, एंड यंगस्टर्स की जो है ना एक तरीके से काफी पसंदीदा बाइक है, जिस वजह से अब बजाज ने सोचा क्यों ना भाई इसको अपडेट करके। वैसे तो इसमें नया मीटर आ गया था, बट मीटर कोई खास बड़ा अपडेट नहीं था, मेन था इसके लुक्स वगैरह को थोड़ा बहुत चेंज करना, उसके बाद अपडेटेड फीचर्स देना आज के टाइम के हिसाब से। सो यूएसडी सस्पेंशन आएंगे, उसके बाद नया LED सेटअप आएगा इसके अंदर, कंप्लीट LED जो है हेडलैम्प आपको देखने मिलेंगे, उसके बाद इस बाइक का जो टैंक है उसकी शेप डिफरेंट नहीं होगी, सेम टू सेम रहेगी। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेन जो चेंज होगा वो फेयरिंग में होगा, जिसकी हाफ फेयरिंग है ना साइड में उसको अपडेट कर देंगे ये लोग। हेडलैम्प सेटअप वगैरह तो देखो पहले ऐसा था, बट इसको भी अब ये लोग अपडेट कर रहे हैं। तो आप लोगों को बता दूं मेनली जो चेंजेस होने वाले हैं ना, मेन इसके फेयरिंग में होने वाले, जो साइड फेयरिंग है ना उसको ये लोग अपडेट कर देंगे, एंड उससे कहीं ना कहीं जो बाइक के लुक्स हैं वो थोड़ी रिफ्रेश टाइप हो जाएंगे, एंड उसकी वजह से इस बाइक को हम फेसलिफ्ट बोल सकते हैं। रियर में जो है ना इसका टायर थोड़ा और चौड़ा कर देंगे, लाइक 140 सेक्शन के आसपास जो है आ जाएगा इसका टायर, उसके बाद जो फ्रंट टायर है वो 100 सेक्शन के आसपास आएगा, तो टायर्स को भी जो चौड़ा कर रही है कंपनी। उसी के बाद इस बाइक में जो है ना आपको मीटर में कनेक्टेड फीचर्स ऑलरेडी मिलते हैं, ठीक है, तो वो सेम ही रहेगा, मीटर में कोई भी अपडेट नहीं होगा, लेकिन इस बाइक के अंदर आ रही है स्लीपर क्लच, जिसकी की खास जरूरत थी यहाँ पे, बट 6th गियर यहाँ पे नहीं आएगा, वही 5 गियर रहेंगे, बट फिर भी इंजन की जो परफॉर्मेंस है ना वो बढ़िया है इस इंजन की। तो ये जो बाइक है ना अब फाइनली अपडेट होने वाली है, एंड इस बाइक को लॉन्च कर रही है कंपनी इस साल के एंड तक, मतलब जो है सेप्टेम्बर अक्टूबर तक, तो आप लोग इसके लिए वेट कर सकते हो। बाकी इसकी जो प्राइस है ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगी, कोई बहुत ज्यादा उसमें चेंजेस नहीं आएंगे, बट हाँ ये USD सस्पेंशन आएंगे तो उसकी वजह से 6,000 से 7,000 रुपए बढ़ेंगे, टोटल मोटा मोटा आप मान के चलना कि 8,000 से 10,000 रुपए बढ़ जाएंगे। तो ये थी आज की एक डिटेल्ड अपडेट वीडियो, तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ न्यू XMR जो आने वाली है ना 400cc में, उसके बारे में। तो चलिए जी, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।